हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वी दार्ची। में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मार्स वन ब्रांड ट्यूटोरियल, जिसमें कि मैं सारे प्रोडक्ट्स जो है मार्स ब्रांड से ही यूज़ करने वाली हूँ। सो वन बाय वन मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ कि कैसा परफॉर्म करते हैं, ये नहीं करते हैं। इस लुक को क्रिएट करने के लिए जो जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं वो सारे मार्स कॉस्मेटिक की तरफ से ही हैं। सो वन बाय वन हम प्रोडक्ट्स के बारे में आते हैं कि प्रोडक्ट्स कैसे हैं, वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं पर्पल का प्राइमर ले रही हूँ बिकॉज आई डोंट हैव मार्स का प्राइमर, सो मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ। ये प्राइमर मैं लगाने वाली हूँ अपने टी जोन एरिया पर फोकस करते हुए। यहाँ पे भी हमें आ रही ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है ना, वहाँ पर मैं ये प्राइमर पहले अप्लाई करूँगी बेस। सो यहाँ पर मेरे पास ये है मार्स का बीबी क्रीम और स्किन परफेक्शन कलर करेक्टिंग बीबी क्रीम है ये। तो इसकी पैकेजिंग गाइस बहुत अच्छी, आप लोग देख सकते हो। सो इसको अप्लाई करने के लिए यूजुअली मैं इसको अपने फिंगर से भी अप्लाई कर सकती हूँ, आप इसे अपने ब्रश मेकअप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो, बट आज मैं इसे मार्स के ये ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करूँगी। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं गाइस उसके सारे प्राइजेस वगैरह आपको स्क्रीन में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। ये है मार्स का ब्यूटी ब्लेंडर। सो बहुत अच्छी क्यूट सी पैकेजिंग है इसकी। बहुत ज़्यादा सुना है इस ब्यूटी ब्लेंडर के बारे में, आई डोंट नो कि ये कैसा वर्क करता है। ये देखिए मतलब छोटा है साइज़ में, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हमें डैम करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे मैंने पहले से ही बाउल ले लिया है एंड इसे मैं एंड ये देखो साइज़ आप लोग देखो इतना बड़ा हो चुका है ये। इसे मैं डायरेक्टली पहले थोड़ा सा अपने स्किन पर डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी। देखते हैं कैसा अप्लाई होता है, फाउंडेशन भी और ब्यूटी ब्लेंडर भी कैसा वर्क करता है। बीबी क्रीम की कवरेज भी अच्छी है अगर आप लोग देखोगे, थोड़ा ड्यूई फिनिश है इसका, काफ़ी अच्छा स्पॉन्ज है गाइस, बहुत ही अच्छा स्पॉन्ज है। थोड़ा सा और रीअप्लाई मैं इसको करना चाहती हूँ, थोड़ा सा लेट्स कि ये थोड़ा लेयर अप करके कैसा लगेगा। एंड इसे अपने अंडर आई एरिया पे लगा रही हूँ बिकॉज आई डोंट हैव देयर कंसीलर। सो जहाँ जहाँ पे भी मुझे थोड़ी सी कवरेज और चाहिए वहाँ मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। नाउ अगेन यूज दिस, मतलब अब इस पॉइंट से करने वाली हूँ। सो आईब्रो के लिए यहाँ पे मेरे पास ये है मार्स का आईब्रो जेल, वाटर प्रूफ है ये 24 आवर्स, और आई एम इन द शेड 01। सो दिस इज द प्रोडक्ट, आप लोग देख सकते हो। और साथ में आपको यहाँ पर यहाँ ये एक टाइप का आपको एप्लीकेटर ब्रश मिल जाता है, मतलब ये देखो यहाँ से आप अपना जो आईब्रो जो है फिल कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको ये स्पूली मिल जाता है अपने आईब्रोज को कॉम करने के लिए। सो मैं इसे डायरेक्टली अप्लाई करूँगी फटाफट से क्योंकि बहुत क्विकली बहुत जल्दी ड्राई हो रहा है, तो मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ पहले फटाफट से। ओके आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से मेरे आईब्रोज फिल हुए हैं, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। फेस को सेट करने के लिए यहाँ पर मेरे पास है मार्स का ट्रेंड सेटर सेटिंग पाउडर। तो बेसिकली दिस इज़ अ लूज पाउडर, इसकी पैकेजिंग इनर पैकेजिंग ठीक है, बहुत ही यूनिक पैकेजिंग नहीं मैं बोलूँगी, बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ पैकेजिंग है इसकी। तो इसको ओपन करते साथ ही आपको यहाँ पर इसका मिल जाता है एप्लीकेटर स्पॉन्ज। वाओ, इससे मैं बेक करूंगी अपने अंडर आई एरिया को। यूजुअली मैं बेकिंग करना इतना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है, बेकिंग करने से
थोड़ा स्किन और ड्राई हो जाता है। सो आई मेकअप के लिए यहाँ पर मेरे पास है मार्स का आई शेडो पैलेट और 9 कलर आई शेडो पैलेट है, एंड ये आपने मेरे हॉल वीडियो में देखा ही है, आई बिलोंग इन योर पर्स आई शेडो पैलेट, एंड ये इसका मिरर है, ठीक है। यहाँ पर आपको शेड्स मिल जाते हैं, ये वाला शेड मैं यहाँ पे ले रही हूँ, इससे पूरा मैं अपने आईलिड को सेट कर लूँगी पहले। मैं ये वाला लाइट ब्राउन शेड लूँगी, काफ़ी पिगमेंटेड है गाइस, से अपने क्रीज को स्मोक आउट करूँगी, साथ साथ मैं ब्लेंड भी करती जाऊँगी। नेक्स्ट आई विल बी टेकिंग दिस चॉकलेट ब्राउन कलर, ये वाला सेम ब्रश से पिक कर रही हूँ, एंड इसको पहले मैं अपने आउटर वी पे डिपॉजिट करूँगी कलर को। एंड इसे सर्कुलर मोशन में, ओ माई गॉड कलर्स आर सो पिगमेंटेड गाइस, मतलब मैंने तो एकदम से कलर को प्लेस कर दिया और मैंने सोचा लाइट ही होगा। नेक्स्ट आई एम टेकिंग ये वाला पीच पिंकी कलर, ठीक है, डस्ट करेंगे एंड अगेन इसको मैं अपने क्रीज को डैप दूंगी। अब मैं एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लेकर इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी सारे कलर्स को। तो इधर मैं ये वाला जो शिमर मेटालिक शेड है आप लोग देख सकते हो, ये अप्लाई करने वाली हूँ अपने इनर लिड पर। तो पहले इसका स्वेच देख लेते हैं, ओ माई गॉड पिगमेंटेड, हेल पिगमेंटेड। तो जो शिमर और मेटालिक शेड्स होते हैं ना, वो आप अपने फिंगर्स से यूज़ करेंगे तो ज़्यादा पिगमेंट आएगा। तो लेट्स जस्ट यूज इन इनर पार्ट। ओ डिड यू सी, मैं ये वाला ब्रश लूँगी और इससे अपने अच्छी तरीके से फिनिशिंग देंगे हम बेसिकली इस मेटालिक शेड को। एक बार मैं अगेन ये वाला दो शेड्स लूँगी और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे हम। सो इस आईज में भी मैं बैक कैमरा आई लुक क्रिएट करके देन आईलाइनर के लिए मेरे पास यहाँ पर है ये मार्स का, ठीक है, ये इसका टिप है, आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छा टिप है। ये देखो, इससे मैं एक विंग ड्रॉ करूंगी। तो लोअर लैशेस पे भी मैं कौन सा शेड, आई गेस दिस पीच कलर अप्लाई करूंगी। मस्कारा के लिए मुझे मेरे पास यहाँ पर ये है मस्कारा मार्स का, दिस इज द पैकेजिंग एंड ये रहा इसका एप्लीकेटर। तो अब इसको हम कोट करते हैं। वाओ लैशेस को ये बहुत अच्छी तरह से कोट कर रहा है एंड लेंथ भी दे रहा है प्लस वॉल्यूम भी। आप लोग डिफरेंस गाइस खुद देखो, मैंने अभी कोई फॉल्सेस नहीं लगाए हैं। सो आई डोंट हैव काजल फ्रॉम मार्स, तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मालियो का वाटरप्रूफ काजल पेंसिल। अब मैं यहाँ पे एक लाइट ब्राउन कलर लूँगी, उससे मैं अपने नोज़ को कॉन्टोर करूँगी, जिससे कि मेरे नोज़ एरिया जो है बहुत ज़्यादा शार्प लगे
एंड अब मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर लेकर उसे जो है ब्लेंड कर लूँगी अच्छे तरीके से। नेक्स्ट मैं ये लाइट पिंक कलर ले रही हूँ, पीच कलर, और इसे पाउडर ब्रश की हेल्प से अपने एप्पल ऑफ द चिक्स पर लगा लूँगी। आप इस तरह से आई शेडो पैलेट को मल्टीपल वेज से यूज़ कर सकते हो, एज अ ब्लश, एज अ ब्रॉन्जर। अब मैं ये ब्रॉन्जिंग ब्रश लेकर लाइट कलर लूँगी, ब्राउन कलर, और इससे अपने पूरे फेस को कॉन्टोर कर लूँगी, अपने फॉरहेड एरिया, चिन एरिया, जॉ लाइन पर अच्छे तरीके से मैं कॉन्टोर कर लूँगी। फॉर माई हाईलाइटर आई हैव हेयर टू ऑफ दिस हाईलाइटर पैकेजिंग। दिस इज द शेड ऑफ हाईलाइटर, मैं इसे इस ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी। ओके, इनर कॉर्नर के लिए मैं ये वाला हाइलाइटर ट्राई करूँगी। दिस इज द शेड, इसमें थोड़ा पिंकी पार्टिकल्स है। सो लिपस्टिक के लिए आई हैव हेयर मार्स का लिप क्रेयॉन, और ये कुछ इस टाइप से है, और इसके साथ ये शार्पनर भी मिल जाता है। सो दिस इज द शेड। मेकअप फिक्सर के लिए मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है मार्स का, तो आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर टू लॉक माई मेकअप। लेट्स जस्ट यूज दिस। सो दिस इज माई फाइनल लुक गाइज, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड सारे प्रोडक्ट्स जो भी होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स मिल जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके पास एक बेल आइकन है, उसको भी हिट कर देना, सो दैट वेन एवर आई पोस्टेड अ न्यू वीडियो यू गाइस विल बी नोटिफाइड। एंड आप मुझे मेरे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, एंड मेरा इंस्टा हैंडल ये है, सो मेक श्योर आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कीजिए। तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।